किसी भी तरह की बीमारी में डाइट का बहुत ही बड़ा रोल होता है। यह बॉडी में एक फ्यूल की तरह काम करता है और जब कोई सिकनेस होती है तो इसकी डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि अगर किसी को टाइफाइड हुआ है तो उसे दवा के साथ अपनी डाइट में और क्या क्या चेंजेस करने चाहिए जिससे उसकी रिकवरी फास्ट हो और जो रिकरेंस का रिस्क है वो भी कम हो जाए। टाइफाइड एक फूड और वाटर बॉर्न डिजीज है, इसलिए हाइजीन का ध्यान रख के हम इससे बच सकते हैं। टाइफाइड बहुत ही कॉमन डिजीज है, स्पेशली उन एरियाज में जहाँ पे लोग बाहर का खाना ज़्यादा पसंद करते हैं या फिर एकदम रूरल एरियाज में जहाँ अभी भी लोग नदियों का पानी पी रहे हैं, घर पे टॉयलेट नहीं है, उसके लिए भी उन्हें बाहर जाना पड़ता है। इससे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी अपनी टाइफाइड वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। अगर किसी को टाइफाइड हो जाए तब उसको क्या करना है, इस चीज़ को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो हाइड्रेशन जो है वो टाइफाइड की रिकवरी का की है, यानी कि चाबी है। आपको अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ पानी ही पिए, आप छाछ ले सकते हैं, नारियल पानी, ORS पाउडर, ग्लूकोज पाउडर, सूप, दाल का पानी, मतलब कुछ भी लिक्विड आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में शामिल करना है। इसके अलावा आप उन सारे फ्रूट्स को अपनी डाइट में ले जिसमें पानी का कंटेंट ज़्यादा हो, जैसे तरबूज। इस डिजीज में मसल्स का ब्रेकडाउन होता है तो आपको प्रोटीन वाली चीज़ें अपनी डाइट में बढ़ाना है, लेकिन आपको ऐसा प्रोटीन लेना है जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए, क्योंकि ये जो टाइफाइड का बैक्टीरिया है वो सबसे पहले आपके इंटेस्टाइन को भी अफेक्ट करता है और आपको ऑलरेडी बहुत सारी दवाइयाँ भी चल रही होती हैं जिसके कारण डाइजेशन बहुत वीक हो जाता है। अगर आप हैवी प्रोटीन लेंगे तो उसको पचाने में बहुत समय लगेगा, तो आप दूध और दूध से बने प्रोडक्ट ले सकते हैं, जैसे पनीर, छाछ, दही। दूध आपको बिना मलाई वाली लेनी है। अरहर की दाल, मूंग की दाल, ये भी इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। चिकन मटन आप ना खाएं, एग आप खा सकते हैं। दही को लेके लोगों के मन में बहुत डाउट रहता है कि दही नहीं खाना चाहिए, लेकिन दही में प्रोबायोटिक पाया जाता है जो आपके GI ट्रैक को स्ट्रॉन्ग करता है, तो दही आपको ज़रूर से अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। आप लो फाइबर वाले फूड जैसे गाजर, करेला, अंगूर, पपीता, इन सारी चीज़ों को अपनी डाइट में लेना है। हाई फाइबर वाले फूड आप ना लें, अगेन यही कारण है कि जो हाई फाइबर वाले फूड होते हैं वो आपके इंटेस्टाइन में लंबे समय तक बने रहते हैं जिससे इसको डाइजेस्ट करने में काफ़ी समय लगता है और आपकी जितनी सारी एनर्जी है वो फूड को डाइजेशन करने में ही चली जाती है। आप स्प्राउट्स, नट्स, काजू, बादाम, अखरोट, इन सारी चीज़ों को ना लें। किशमिश आप खा सकते हैं। कच्ची सलाद और सब्जियों को नहीं खाना है, जो भी खाना है उसको अच्छे से पका कर खाना है ताकि डाइजेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। हाई कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट वाले फूड आइटम आप अपनी डाइट में शामिल करें, क्योंकि इस समय इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, रिकवरी के लिए, बॉडी को हेल्दी रखने के लिए आपको एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके लिए आप उबला आलू, शकरकंद, खिचड़ी, इडली, वाइट राइस, वाइट ब्रेड, केला, इन सारी चीज़ों को अपनी डाइट में ले सकते हैं। आप रिफाइंड शुगर जैसे शहद और जैम ले सकते हैं। सब्जियों को आप अच्छे से पकाकर खाएं, स्पाइसी, ऑयली, डीप फ्राइड फूड को आप इस समय ना लें, ये डाइजेशन में प्रॉब्लम करता है। कुछ फल और सब्जियां हैं जिनसे एसिडिटी हो सकती है, जैसे पाइनएप्पल, कीवी, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर। अगर आपको भी इन सारी चीज़ों से एसिडिटी होती है तो इन सारी चीज़ों को आप डाइट में शामिल ना करें। ऐसी कोई भी चीज़, किसी को किसी चीज़ से एसिडिटी होती है, किसी को किसी चीज़ से, तो अगर आपको पहले से पता है कि ये खाने से मुझे एसिडिटी होगी तो उस चीज़ को आप डाइट में ना लें। आप इकट्ठे खाने की कोशिश ना करें, थोड़ा थोड़ा करके खाएं, लेकिन कई बार खाएं ताकि आपको एनर्जी मिलती रहे। कोई भी फल और सब्जी अगर आप खा रहे हैं तो उसे बहुत ही अच्छी तरह से धुल के और पका के ही खाना है। पानी को हो सके तो आप उबाल के पिए। कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम जैसी चीज़ों को इस समय आप बिल्कुल भी अवॉइड करें। तो उम्मीद है वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। थैंक यू।